बीजक का 60वां शब्द माया मोह मोहित कीन्हा। माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लेना। जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। शब्द गुरु उपदेश दीन्हो, ते छाड़ परम निधाना। ज्योति देख पतंग होल से, पशु न पेखे आग। काल फांस नरमुग्ध न चेतहु, कनक कामिनी लाग। शेख सैयद कितेब निरखें, सुमृत शास्त्र विचार। सदगुरु के उपदेश बिन, तें जान के जीव मार। कर विचार विकार परिहरि, तरण तारण सोय। कहें कबीर भगवंत भजनर, द्वितीया और न कोय। माया मोह मोहित कीन्हा। माया मोह ने जीव को मोहित कर लिया। ताते ज्ञान रतन हरि लेना, इसलिए ज्ञान रत्न उसका खो गया। जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन ऐसा है जैसे सपना। जीवन सपन समाना, दो बार या तीन बार कहने का मतलब होता है जोर डालना। जीवन स्वप्न के तुल्य है। शब्द गुरु उपदेश देनो, ते छाड़ परम निधाना। सदगुरु ने ज्ञान शब्दों का उपदेश तुम्हें दिया है। ऐ परम निधान, तू छोड़ मोह को। तू तो ज्ञान का स्वयं निधान है। निधान कहते हैं जो धारण करे, निधि, जिसे प्रायः खोद करके गाड़ दिया जाए उसको निधि कहते हैं। धरा हुआ निधि है, निधान जो धारण करे। तू ज्ञान का निधान स्वयं है। छाड़ परम निधाना, तू परम ज्ञान का निधान है, छोड़ माया मोह। ज्योति देख पतंग हुल से, पशु न पेखे आग। ज्योति देख करके पतंग हुलसता है, प्रसन्न होता है और उसमें जाके चिपक जाता है। पशु न पेखे आग, वह पशु मूर्ख, यहाँ पशु का अर्थ मूर्ख, वह मूर्ख आग नहीं देखता है। कनक ज्योति देख पतंग हुल से, पशु न पेखे आग। काल फांस नर मुग्ध न चेतहु, कनक कामनी लाग। काल के फांस में पड़ा हुआ ये मुग्ध मनुष्य चेतता नहीं, कनक कामनी में लग करके। शेख सैयद कितेब निरखें, सुमृत शास्त्र विचार। शेख सैयद लोग इस्लामी किताब को पढ़ते हैं और हिंदू पंडित स्मृतियों और शास्त्रों का विचार करते हैं, लेकिन वह कुर्बानी और बल के नाम पर जीव मारते हैं। सदगुरु के उपदेश बिन, तय जान के जीव मार। सच्चे सदगुरु से उपदेश न पाया, इसलिए तू जानते हुए भी जीव को मारता। जानता है कि किसी की हत्या करना गलत है। हमें कांटा चुभ जाए तो बड़ी पीड़ा होती है, तो दूसरे को पीड़ा देना कहाँ उचित है। जान के जीव मार। कर विचार विकार परिहरि, इसलिए विचार करो और विकारों का परित्याग करो। जो विचार करे और विकारों का परित्याग करे, तरण तारण सोए। वही तरण है, वही तारण है। तरण जो तर गया, तारण जो दूसरे को तारे, दूसरे को सत्योपदेश दे, वही सदगुरु रूप है। कहें कबीर भगवंत भजनर। साहब कहते हैं मनुष्य, ऐसे भगवान सदगुरु भगवान का भजन कर, द्वितीया और न कोई। तेरे कल्याण का रास्ता बताने वाला कोई दूसरा नहीं। ज्ञान विराग श्रीजुत, यश और धर्म निधान। ऐश्वर्य खटभागयुत, ताहि कहत भगवान। जिसमें ज्ञान हो, वैराग्य हो, श्री हो यानी शोभा, यश हो, धर्म का निधान हो,
ऐश्वर्य हो, ये छह गुणों से संयुक्त को भगवान कहते हैं। भगवान महान मनुष्यों पवित्र आत्माओं को कहा गया है। पुराने ग्रंथों में उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार को भगवान कहा गया, जहाँ सनत कुमार नारद का संवाद समाप्त हुआ है वहाँ भगवान शब्द कहा गया है। और वाल्मीकि रामायण में ऋषियों को भगवान कहा गया है। पूरी वाल्मीकि रामायण में श्री राम के लिए एक जगह भी भगवान नहीं कहा गया है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण की जब रचना हुई है उस समय श्री राम के लिए राजपुत्र, योग्य, विद्वान, ओजस्वी, बलि, सुकीर्त से संपन्न, इन सद्गुणों से संपन्न माना गया है। पवित्र आत्मा ऋषियों की तरह नहीं माना गया है। इसलिए पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं भी भगवान शब्द श्री राम के लिए नहीं। जब अवतारवाद की कल्पना पूरी परिपक्व हो गई तब भगवान शब्द का प्रयोग अन्य रामायणों में होने लगा। और शायद ये प्रायः आज से हजार वर्ष हुए जब से होने लगा। तो भगवान शब्द पवित्र आत्माओं के लिए किया जाता था। बुद्ध के लिए कहा गया भगवान बुद्ध, महावीर के लिए भगवान महावीर, ऋषियों को भगवान कहा गया पूरा काल में। आज तो बहुत प्रयोग होता है। तो भगवान ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य संपन्न महापुरुष को कहा गया है। माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लेना। माया मोह ने मोहित कर लिया, इससे ज्ञान रतन हर गया, छिन गया। माया मोह क्या है? प्राणी और पदार्थों में मोह जाना, भूल जाना, किसी मनुष्य के चेहरे, वाणी, बर्ताव से खुश हो जाना और खुश ही न हो जाना, आसक्त हो जाना, उसके बिना न रह पाना, उसको देखे बिना, सुने बिना, छुए बिना, पास में हुए बिना न रह पाना, यही माया है। ऐसे पदार्थों के लिए ज्ञान रतन फिर खो जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण बहुत बड़ा विद्वान था। वेद विद्याव्रत स्नातः कहा गया है उसको। वेद विद्याव्रत स्नातः, वेद विद्याव्रत में उत्तीर्ण, चारों वेदों का विद्वान और बहुत योग्य, लेकिन अपनी बहन से सुवर्णरेखा से सुना कि सीता बड़ी सुंदरी है और वो व्याकुल हो गया। और कैसा छल कपट करके उठा करके लाया, कितना घृणित काम। और जो उनके शुभचिंतक थे उनकी राय को भी नहीं मान पाया और योद्धा उसके कटते गए, परिवार के लोग कटते गए, तो भी वो सीता को लौटा नहीं पाया। अब इससे अधिक उदाहरण और क्या हो सकता है। महाराज राम की भी अपने में वही दशा है। सोने का मृग देख करके सीता जी व्याकुल हो गई, इसको लाओ चाहे जैसे लाओ। धन्यवान महाराज राम ने ले लिया। लक्ष्मण ने समझाया कि भैया सोने का मृग नहीं होता है, इसमें कुछ छल कपट है। उन्होंने कहा नहीं, सीता का बहुत मन है, चाहे मार कर लाऊंगा चाहे जिंदा लाना है। और परिणाम क्या हुआ? सीता का हरण और श्री राम का विलाप,
और भयंकर दुख की श्रृंखला आरंभ हुई। इस धरती आकाश के बीच में प्रकृति के द्वारा किसी को छूट नहीं है, चाहे किसी का नाम भगवान हो, चाहे अवतार हो, चाहे देवता हो, चाहे गुरु हो, चाहे संत हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे विद्वान हो, त्रिकालदर्शी हो, जो कुछ कहो, किसी के लिए छूट नहीं है। कर्मों का फल भोग सबके सामने आना है। इसलिए महाभारतकार ने श्री राम को क्षमा नहीं किया, वेद व्यास जी ने क्षमा नहीं किया। जब एक बार युधिष्ठिर सब कुछ हार गए तो द्रौपदी धृतराष्ट्र के सामने जाके रोने लगी। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी मैं सब लौटाए देता हूँ। फिर वो खुशी खुशी चल दिए। दुर्योधन सुना तो आकर के पिता से कहा, पिताजी आपने सब गड़बड़ा दिया, छल छद्म करके हमने जीता था, अब आप सब दे दिए, फिर बुलाइए हम फिर जुआ खेलेंगे। धृतराष्ट्र की भी बुद्धि फिर गई, फिर हरकारा भेजे। रास्ते में थे युधिष्ठिर, उन्होंने कहा कि राजा फिर बुला रहे हैं आपको जुआ खेलने के लिए, फिर लौट पड़े हो। कोई शर्त नहीं थी कि जुआ खेलें ही, कह देते मैं अब जुआ नहीं खेलूँगा, मामला ख़त्म। लेकिन ऐसे जुआ के रसिक थे युधिष्ठिर, इतना खतरा खा करके भी फिर लौट पड़े। उसी समय वेद व्यास ने ये लिखा, असंभवे हे ममयस जंतोस तथापि रामो लुलभे मृगाय, प्रायः समा सन्न परा भवानाम धियो विपरजस तत्रा भवन्ति। असंभवे हे ममयस जंतोस, हे ममय जंतु होना असंभव है। हेम नाम सोना, सोने का जानवर होना असंभव है। असंभवे ही ममयस जंतोस तथापि रामो लुलभे मृगाय, तथापि राम जैसे महापुरुष, एक दिन श्री राम अयोध्या के राज्य को ठुकरा के 14 वर्ष के लिए चल दिए थे। वे चाहते तो कोई न हटा पाता, पूरी प्रजा उनको चाहती थी, दशरथ चाहते थे, भरत आते तो स्वाभाविक ही उनको बैठा देते, लेकिन तुरंत चल दिए, इतना निर्मोह। लेकिन जहाँ फंस गए वहाँ फंस गए। असंभवे हे ममयस जंतोस तथापि रामो लुलभे मृगाय, सोने का जानवर होना असंभव है, लेकिन सोने जैसा मृग देख करके राम भी लुलभे लुभा गए। प्रायः समासन्न पराभवानाम, प्रायः अधिकतर समासन्न निकट आता है जब, पराभवानाम पराभव निकट आता है, पराभव पतन, पतन जब निकट आता है, धियो विपरजस ततरा भवंत, बुद्धि बदल जाती, आदमी भटक जाता है। मोह आता है तो ज्ञान रतन खो जाता है। खाएं बैठो और किसी चोक चटकार में मोह हो जाए तो संयम का ज्ञान खो जाएगा। और थोड़ी असावधानी की दुर्घटना घटी, ज़्यादा खाए और पीछे पछताए। मात्रा जितनी होगी भूल की, परिणाम उतना होगा। इसीलिए पूरा जीवन साधना है। हर क्षण जो सावधान रहता है वो आत्मविजयी होता है। मनुष्यों पर विजय करना बड़ी वीरता नहीं है, किसी देश पर विजय करना बड़ी वीरता नहीं है, अपने आप पर विजय करना बड़ी वीरता है। अपने आप पर विजय करने वाला परम शांति और परम निर्भयता प्राप्त करता है। माया मोह मोहित कीन्हा, माया के मोह ने तुम्हें मोहित कर लिया, ताते ज्ञान रतन हर लेना। इसलिए ज्ञान रतन उसने हर लिया, सबके अंदर में ज्ञान है, लेकिन वो ढक जाता है। मोह आया
तो विवेक खो जाता है। इसलिए साधक को सतत सावधान रहना चाहिए, कहीं भी मोहग्रस्त ना हो। माया मोह मोहित गिना ताते ज्ञान रतन हरि लीना। जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन ऐसा है जैसे सपना। फिर साहब कहते जीवन सपन समाना, जीवन सपने के समान है, सपना नहीं है, ये ध्यान देना है। यहाँ इतने लोग हैं, सब सो जाएं तो सब सपना देखेंगे, सबके सपने अलग अलग रहेंगे। लेकिन इस कक्ष में सब बैठे हैं तो सब एक ही बात देख रहे हैं कि कबीर नगर के कबीर आश्रम में ध्यान कक्ष में हम सब बैठे हैं, सबका अनुभव ये कहते सपना तो नहीं है, सपने के समान है। जब हम जाग जाते हैं तो सपना खो जाता है, ऐसे कुछ क्षण में सारा दृश्य खो जाता है। यहाँ बैठे हैं कुछ मिनटों में सब उठ जाएंगे तो ये कक्ष सुनसाना हो जाएगा, ध्यान शिविर चल रहा है बीस को खत्म हो जाएगा, बीस ही को शाम को सुना हो जाएगा, फिर पाठ सत्संग चलेगा तो अपने ढंग से रहेगा। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबका शिष्यपन सुना हो गया, इसमें बैठे हुए कितने लोगों की जवानी सुनी हो गई, खो गई है। दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो न देखा जरा मुड़ के, जो दिल में दिल बन के धड़कते थे वे खो गए। तो सपना है कि नहीं, इस सपने के समान है। इस सपने की स्थिति को जो देखे वो जागता है। जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। शब्द गुरु उपदेश देनो ते छाड़ परम निधाना। गुरु ने ज्ञान शब्दों का उपदेश दिया है, ते छाड़ परम निधाना। ऐ परम निधान, ज्ञान को धारण करने वाला ऐ महाज्ञानी जीव, ते छाड़ मोह को छोड़। साहब प्रशंसा करते हैं कि ये मनुष्य ज्ञान का परम निधान है, धारण करने वाला है। सबके अंदर में ज्ञान है, गुरु ज्ञान देता नहीं है, निर्देश करता है और उसके अंदर में ज्ञान जग जाता है। देने लेने वाली बात तो फिर क्षणिक हो जाएगी, सबके अंदर में है ही, बस बताना है जो मैं हूँ वही तो है। ज्योति देख पतंग हुलसे पशु न पेखे आग। ज्योति देख करके पतंग हुलसता है, प्रसन्न होता है, वह मूर्ख आग नहीं देखता है, वह चिपक जाता है और जल जाता है। यही दशा प्राणियों की है, मोह में पड़ करके वे आत्म अस्तित्व को खो देते हैं। आत्म अस्तित्व कभी मिटता नहीं है, लेकिन अस्तित्व का बोध नहीं रह जाता है। बोध न रह जाना ही खो जाना है, अपने आप के होश हवास में जीव नहीं रह जाता है। जितना मोह का आवरण होगा उतना आत्मबोध ढक जाएगा, जितना मोह का आवरण मिटेगा उतना आत्मबोध उजागर होगा। श्रेय मार्ग प्रेम मार्ग उपनिषदों में बताया है, कठ उपनिषद में कहा गया श्रेय मार्ग प्रेम मार्ग। श्रेय मार्ग है कल्याण का मार्ग, प्रेम मार्ग है जो बहुत प्यारा लगता हो विषय वासना का मार्ग। श्रेय मार्ग में कठोरता है, प्रेम मार्ग में बड़ी रमणीयता है, लेकिन प्रेम मार्ग पतन की तरफ ले जाता है, श्रेय मार्ग उत्थान की तरफ ले जाता है। जो अनाद काल से विषयों के प्रति मोह है वो प्रेम मार्ग है, सुपरिचित रास्ता है। और उस सुपरिचित रास्ते में चल करके आदमी पतित होता है, ये कल्याण का रास्ता अपरिचित है। अगतम दिशा
तथागत बुद्ध ने कहा है अगतम दिशा है, इस दिशा में आज तक गए नहीं हैं, इसलिए कठिन लगता है। जीभ का स्वाद अच्छा लगता है, स्वादाशक्ति को जीतना अच्छा नहीं लगता है। कल सब्जी मेरे पास आई जब दोपहर को, फीकी थी, हम लोग तो फीकी ही खाते हैं, हम तो अधिकतम उबलवा बुलवा करके खाते, नमक छोड़ते ही नहीं हैं, और छोड़ा भी जाता है तो कम। लेकिन सब को देखते हुए मैंने धर्मेंद्र को बुला के कहा, भाई नमक थोड़ा और कर दो, आदत नहीं है हम लोगों की, वैसी तो परेशानी होगी, तो थोड़ी मात्रा बढ़ा दी। तो अब सामान जैसे लोग खाते हैं वैसे है, बहुत कड़ा नहीं है और बहुत वैसा नहीं, आदत है। कितने ऐसे देश हैं वहाँ नमक छोड़ते कुछ नहीं है, नमक मसाला कुछ नहीं छोड़ते, उनकी आदत तो ऐसे है। ये हमसे लगा चीन देश है, उबली सब्जी खाते हैं, न मसाला न मिर्च ना छौंक ना बघार कुछ नहीं, सब्जी उबाल देंगे वो पानी के सहित पात्र में रख देंगे, पानी गिलास में नहीं रखते, उस सब्जी का पानी ही काफ़ी रहता है। यहाँ वाले तो होटल से ही चल दें, ये क्या कर रखे हो, जानवर को पीना है। तो आदत है और कुछ नहीं, और कोई सब साधु थोड़े होते हैं, लेकिन वहाँ ठीक है प्राकृतिक ढंग से रखते हैं। जितना मिर्च मसाला का सेवन करोगे उतना शरीर के लिए दुखदायी होगा, शरीर में नमक और मीठा दोनों की ज़रूरत है, लेकिन वो भोज्य सामग्री से स्वाभाविक प्राप्त होता है, और नमक मीठा खाना ठीक है लेकिन मात्रा सदैव कम खाना कम रखना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि इंद्रियों का जो स्वाद है वो सुपरिचित है, इंद्रियों के स्वाद को त्यागना अपरिचित है, इसलिए उधर चलना कठिन लगता है, लेकिन उधर ही चल करके कल्याण होगा। विषयों में सबसे बड़ा सुख मैथुन को माना है, और सबसे बड़ा दुख वही है, उसी के पीछे सारा संकट है, और उसमें जो अपने को अधिक डालता है वो गृहस्थ और दुखी होता है। गृहस्थी क्यों है, क्योंकि आदमी अपना संतुलन बनाए रखे, सब विरक्त नहीं हो पाएंगे, सब क्या बहुत कम होते हैं, तो जो जीवन भर शुद्ध ब्रह्मचर्य से रह सके वो अविवाहित रहे बढ़िया है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बाकी लोग विवाह करके रहें जिससे मर्यादा में रहें। एक आवरण आता है जवानी का जब आरंभ होता है, शरीर में ऊष्मा ऊर्जा अविद्या अज्ञान सब इकट्ठे हो जाते हैं, और अंग मिलन की चेष्टा होती है। अब उसको कितने लोगों को तो समझने का अवसर ही नहीं रहता है कि समझें कि अविद्या से है, अवस्था का प्रभाव है और अविद्या है, अविद्या को जो समझ लेता है उसी अवस्था में उसको बदल देता है, साधना में लगा देता है उस ऊर्जा को। यहाँ पर बैठे हुए साधु लोग जो हैं थोड़ी थोड़ी उम्र आप देख रहे हैं, और जिनकी ज़्यादा उम्र देखते वो भी थोड़ी उम्र में ही अधिक आए हैं। तो जिस अवस्था में लोग समझते हैं कि इससे अलग रहा ही नहीं जा सकता है, उसी अवस्था में वे साधते हैं, और कल्याण मार्ग में उनका विचार प्रवाहित हो जाता है। तो इस चीज़ को समझने का अवसर ही कितने नहीं मिलता है, संगति ही नहीं रहती, सब तो विषय पाठ पढ़ाते हैं परिवार के लोग और लौकिक गुरु लोग, सभी लोग वही पाठ पढ़ाते हैं, समझने का अवसर नहीं रहता है। जो समझ जाता है उसकी दृष्टि बदल जाती है, तो ऐसे भी कम लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे, बाकी लोगों को
विवाह करके इसीलिए रहना चाहिए कि वो एक मर्यादा में रहें, अपने संभाल नहीं पाएंगे, अमर्यादित व्यवहार करेंगे, समाज में भ्रष्टता होगी, उनका पतन होगा, समाज में गंदगी फैलेगी, इसलिए विवाह उचित है। लेकिन विवाह करने के बाद और पति इकट्ठा होने के बाद वे दोनों उसको समझें, वे एक बार दो बार दस बार अनेक बार देख लिए क्या धरा है उसमें। अगर एक दो संतान हो गई, बचना चाहिए, अपने को बचाना चाहिए, नहीं संतान हुई, नहीं हुई, अपने को बचाना चाहिए, विवेक करना चाहिए कि जिसको लेकर के मैं बहुत आकर्षित था उसको तो देख लिया, कि उसके पीछे केवल बिलबिलाना है, उसी में ज़्यादा लगो तो तृष्णा बढ़ेगी, चैन से रह नहीं पाओगे, इंद्रिय क्षीणता, मलिनता, उद्वेग, अशांत, ज़्यादा पड़ोगे तो रोग भयंकर बढ़ेगा, कष्ट होगा, फायदा क्या है? अगर आप अपने में स्वतंत्र न रह पाए तो सुख है, जिसकी याद करते ही आप स्वतंत्र न रह सकें उस सुख कहाँ? सुख वह है जो अपने में संतोष दे, अब अपने को विवश कर दे, दूसरे की जरूरत पड़े तो सुख कहाँ हुआ? वो घटना मैंने गत वर्ष भी कही होगी, एक लड़की ने मुझे पत्र लिखा था भारतवर्ष के किसी प्रदेश से कि साहब मैं अब मेरी शादी हो गई है, ससुराल आ गई हूँ, अब अपने पति को देखे बिना मैं एक दिन भी नहीं रह पाती हूँ, अब मेरा मन बहुत चंचल हो गया, बहुत अशांत हो गया, और मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि उसको देखे बिना मैं अपने आप में सुखी रह सकूँ, और ये पत्र मुझे न दीजिएगा, पार्क में छाप दीजिएगा, मैं समझ लूँगी। अब वो युवती लड़की है, भक्त घर की होगी, जानती थी सब कुछ, तब उसने मुझे इस ढंग से लिखा। अब जवानी का उन्माद है, मोह हो गया है जबरदस्त, लेकिन तकलीफ भी महसूस कर रही है कि हम अपने में आप में सुखी नहीं हैं, हम उसको देखे बिना, उसकी संगत के बिना सुखी रहें, ऐसा हमें उपदेश दीजिए। ये आत्मा छटपटाती है निर्वाण के लिए, विश्राम के लिए, शांत के लिए, और उसी के लिए वो न समझ करके सही रास्ता विषयों को पकड़ती है और दूर होती चली जाती है। इसलिए काम वासना का विश्लेषण करना चाहिए, कहाँ तक ठीक है, गृहस्थ के लिए एक दो संतान के लिए ठीक है, तो काल के अनुसार तो दो भी नहीं, एक काफ़ी है, और एक दो जो हो, कोई बहुत सूरवीर बने, बहुत बढ़ावे तो दुख पाएगा और क्या करेगा, एक ही संतान को निभाना मुश्किल होता है, कई संतान करके तकलीफ के सिवा कुछ नहीं, तो अपने को संभालने की आवश्यकता है। सुख का सबसे बड़ा निधान लौकिक सुख, ये मैथुन को माना है, जो सबसे बड़ा दुख है, इसको जीत लेने वाला महा सुखी हो जाता है। विरक्त को तो पूर्ण जीत ही लेना है, गृहस्थ को भी जीतना है, वे जितना जीतेंगे उतना सुखी होंगे, और जो गृहस्थ इसको समझ करके पूर्ण रूप जीत लेगा उसका बेड़ा पार है। तो माया मोह मोहित कीना, ताती ज्ञान रतन हरिलीना, जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना, शब्द गुरु उपदेश तीनों ते छाड़ी परम निधाना, ज्योति देख पतंग होल से पशु न पेखे आग। वह पशु वह मूर्ख पतंग ये नहीं देखता ये आग है, सुंदर सुंदर है बस चिपक जाता है, जल जाता है, ऐसे मनुष्य है। ज्योति देख पतंग होल से पशु न पेखे आग, काल फांस नर मुग्ध न चेतहु कनक कामनी लाग। नरमुग्ध एम विमोहित मूढ़ मनुष्य काल के फांसी में लटका है, इसलिए तो चेत नहीं कर रहा है,
काल क्या है? मोह। मोह की फांसी में लटका है। कनक कामनी लाग, कनक कामनी में लग करके तू जल रहा है। कनक कामनी भारतवर्ष की युग्म शब्द माया के लिए बहुत प्रचलित है। कनक कामनी, कनक कामनी का शाब्दिक अर्थ होता है, कनक का अर्थ है सोना, कामनी का अर्थ है काम मद में मतवाली स्त्री, लेकिन सोना में कितने लोग आ सकते हैं? सोना वाना तो गृहस्थों के घर में थोड़ा जेवर और होता है बस, विरक्त के घर में तो सोना होता ही नहीं आश्रम में, लेकिन ये घर द्वार आश्रम जमीन कागज के नोट और जो कुछ भी दृश्यमान है ये सब कनक है। कनक का लाक्षणिक करता है धन ऐश्वर्य। कामिनी काम मद में मतवाली स्त्री, लेकिन जो कल्याणार्थी स्त्री है उसके लिए बंधन कौन है? पुरुष है। पुरुष में उसका मोह होता है। वस्तुतः कामनी है जिसके संसर्ग से काम उन्माद उत्पन्न हो। युवती को देख करके युवक के मन में काम उन्माद आता है, सावधान अगर नहीं है, विवेकी नहीं है तो। और इसी प्रकार युवती के मन में युवक को देख करके सावधान नहीं है तो काम उन्माद आता है। तो इसमें कामनी एक कैसे हुआ? स्त्री ही कैसे कामनी हुई? पुरुष भी वो कामनी है जिससे कामना, जो कामना का आलंबन बने, काम मद का आलंबन बने, वो कामनी है। पुरुष विरक्त हुए हैं अधिकतम, इसलिए उस भाषा में वो कहे। बात यह है, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, काम विकार के आलंबन है और दोनों की संगत इसीलिए वर्जित है। विरक्त को चाहिए नारी मात्र को मां समझ करके दूर से व्यवहार करें, विरक्त को गृहस्थ को चाहिए कि अपनी पत्नी के अलावा दुनिया में जितनी स्त्रियां हैं माँ बहन बेटी समझ करके दूर से व्यवहार करें, संगत न करें, घनिष्ठता न करें। आजकल बड़ी घनिष्ठता चलती है, हम भाई बहन हैं, भाई बहन की तरह हम पढ़ रहे हैं, भाई बहन की तरह ऑफिस में काम कर रहे हैं। ये भाई बहन ही नहीं, माता तक कहने वाले हैं लोग अपराधी। माता, माता कहेंगे, माता का फोन आया था, अब माता कह देने से वो पता लग जाएगा किसका फोन आया था। तो इतनी दुर्गति है कि पतित आदमी कुछ भी कह सकता है, बहन ही नहीं माता तक कह करके अपराध कर सकता है। किसी स्त्री को माता कह लेगा, कहने में क्या जाता है? महापुरुषों ने जो वर्जा है, रोका है, कुसंगत का त्याग, वो बुरा नहीं है। आजकल तो इसको सभ्यता मान बैठे। प्रेम सबके प्रति, प्रेम करुणा सद्भाव ठीक है, लेकिन एकांत लोकांत पर स्त्री पर पुरुष से मिलना ये अनर्थ है, सदैव बचना चाहिए। कनक कामनी का शाब्दिक अर्थ सोना और मतवाली स्त्री, लेकिन लाक्षणिक अर्थ है कनक दुनिया का धन ऐश्वर्य, कामनी जिसके आलंबन से काम उन्माद हो, जिसको देख सुन करके मन विषयों की तरफ पतित हो, वो कामने। वो स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, दोनों ही कामने। अवस्था कामनी तो अपने मन की कामना है, जिसके मन की अविद्या मिट जाती है, न स्त्री न पुरुष, दोनों से कोई नुकसान नहीं, लेकिन तब भी परहेज तो रखने की जरूरत है ही। जो साधु नामधारी स्त्री लिए घूमते हैं और कहते हैं हमारा तो बेड़ा पार है,
और हम बोध में हैं। ये क्या है आप लोग स्त्री है पुरुष है अलग अलग समझते हैं? अरे जब ज्ञान हो गया तो स्त्री पुरुष अलग अलग क्या है? इस प्रकार डिंग हाँकने वाले लोग होते हैं, वे अनर्थ करते हैं। स्त्री पुरुष जो शरीर है वो तो है ही है। विवेकवान विवेक से बरतता है, मन से भी अनासक्त होता है और व्यवहार भी उसी ढंग से करता है। व्यवहार में परहेजगारी की मर्यादाओं का जो स्वरूप संसार में प्रतिष्ठित है वह व्यर्थ नहीं है। स्त्री और पुरुष की संगत एकांत लोकांत में नहीं होना चाहिए, पर स्त्री पर पुरुष का संगत, और साधु को स्त्री मात्र से दूर रहना चाहिए और साधिकाओं को पुरुष मात्र से दूर रहना चाहिए। दोनों दोनों के प्रति हित कामना रखें। मर्यादा वहाँ पर नियम तो यहाँ लिखा ही रहता है, नियम लिखा था प्रीतम नगर में, कोई अकेली स्त्री आश्रम में प्रवेश न करे, उसका अभिभावक साथ में होना चाहिए। एक नेता स्त्री बहुत तड़तड़ाई, ठीक है मैं कबीर मंदिर नहीं जाती, लोग आके बताए, मैंने कहा बुला लाओ। तो एक दिन आई, मैंने कहा ये बताओ आप और मैं दोनों इस कमरे में रहें और कोई न रहे और कोई फिर आवे तो देख करके वो क्या समझेगा कि हाँ प्रभाव तो अच्छा नहीं होगा। हम कहते तब तो जो मैं कहा हूँ लिखा गया है कि अकेली स्त्री आश्रम में प्रवेश न करे, तो ठीक लिखा है। अकेली स्त्री आती है और रहती है, प्रभाव तो कोई भी आएगा तो क्या वो सोचेगा। हम और आप ठीक हैं लेकिन प्रभाव तो अच्छा नहीं होगा। पराई स्त्री के साथ कोई पुरुष उठता बैठता बहुत हो रहता है, दोनों मन पवित्र है लेकिन समाज में उसका प्रभाव बुरा होगा। इसलिए अंदर में शुद्धि भी होनी चाहिए, बाहर की मर्यादा भी होनी चाहिए, दोनों की जरूरत है। ज्ञान हो जाने पर कोई पत्थर हो जाएगा? आत्मा अमर है, अखंड है, नित्य है, शुद्ध बुद्ध है, ऐसा जानने वाले ज्ञानी के हाथ पर अगर आग रखी जाए तो क्या उनको कुछ नहीं पता चलेगा? आत्मा अजर अमर है, शुद्ध है, ठीक है, लेकिन देह में आग लगेगी तो देह जलेगी। कुसंगत कोई करेगा तो पहले तो मर्यादा जाएगी, लोग में अपवाद होगा, और कुसंगत में पढ़ करके आदमी धीरे धीरे फिसल भी सकता है। निमि ऋषि नारद कितनी कहानियां पुराणों में हैं, और बड़े बड़े तपस्वी बह गए, बड़े बड़े बह जाए गधा का है कितना पानी, ये कहावत है। और कितने ज्ञानी ऐसे हैं जो यही बघारते घूमते हैं कि हमें कुछ नहीं पता लगता है, सब बराबर है, ऐसे लोग ठीक नहीं। काल फांस नर मुग्ध न चेतहु कनक कामनी लाग, शेख सैयद कितेब निरखें सुमृत शास्त्र विचार। शेख और सैयद कितेब पढ़ते हैं, यानी मुसलमानी मजहब के जो मौलवी हैं, महंत हैं, उनके गुरु हैं, वे कुरान इत्यादि हदीस इत्यादि किताब पढ़ते हैं, सुमृत शास्त्र विचार। और हिंदू पंडित स्मृतियों का और शास्त्रों का विचार करते हैं। साहब कहते सदगुरु के उपदेश बिनते जान की जीव मार, सदगुरु का उपदेश तेरे को सही मिला नहीं इसलिए तू जान करके भी जीव को मारता है। जानता है कि किसी जीव को मारने से उसको तड़फन होती, पीड़ा होती, फिर भी मारते हो। मुल्ला मौलवी कुरान और हदीस पढ़ते हैं, पंडित स्मृत और शास्त्र पढ़ते हैं, और दोनों जानते हैं जीव हत्या दुखद है, उनके ग्रंथों में लिखा भी है दया करुणा मेहरबानी, लेकिन सद्गुरु का उपदेश उन्हें मिला नहीं, सही सद्गुरु का।
तो जीव हत्या दुखद समझते हुए भी वे मारते हैं। अब कितना गलत है, दयावान ईश्वर, दयावान देवता तब प्रसन्न होता है जब उसके नाम पर निरीह प्राणियों को छुरी से काटा जाता है। प्राणियों को जब छुरी से रेता जाएगा, काटा जाएगा, वो तड़फेंगे, तब देवता और ईश्वर खुश होता है। कितना गलत सोचना है। ये पुरानी परंपरा है, सामी परंपरा, आर्ज परंपरा, दोनों परंपराओं में सदा पुराने पूरा काल से रही है। ईश्वरवादी मजहबों में खूब रही, जो ईश्वरवादी नहीं रहे बल्कि उनमें नहीं रहे, बौद्ध और जैन, ये भी 2000 वर्ष पुराने, जैन तो और पुराना है, ये दोनों ईश्वर नहीं मानते हैं। और दोनों में किसी भी धर्म कृत के लिए किसी जीव की हत्या नहीं की जाती, जीव दया पर जोर दिया जाता है। लेकिन जो ईश्वर मानने वाले हैं पूरा काल के, उनकी परंपराओं में ईश्वर और देवता के नाम पर प्राणियों की हत्या की जाती है। पूरा काल में रहा, उसको शोध नहीं रहे। हिंदुओं में तो इसको काफ़ी सुधारा गया है, लेकिन मुसलमानों में नहीं सुधारा गया। उनके मुल्ला मौलवी इस पर जोर नहीं दे पाते हैं, जोर क्या बल्कि और प्रचार करते हैं। हिंदुओं में हुआ, लेकिन आज भी हिंदुओं में, भारत देश में ही, बंगाल इत्यादि में वैसे चल रहा। जो एकमात्र हिंदू राष्ट्र है नेपाल, वहाँ तो क्या कहा जाए, देवी के देवता के नाम पर जो जीव हत्या है, हद। तो सदगुरु के उपदेश बिन ते जान के जीव मार, सदगुरु का उपदेश तेरे को सही नहीं मिला। तू जानता है कि छुरी किसी के अंग पर चलाओगे तो उसको पीड़ा होगी, और फिर भी काटते हो। कर विचार, विकार परिहर तरण तारण सोए। साहब कहते विचार करो और विकारों का परित्याग करो। हिंसा विकार है, मोह विकार है, काम विकार है, ममता विकार है, मनोविकारों को जीतो। मन से इंद्रियों के व्यवहार होते हैं, मन प्रदूषित होता है तो इंद्रियां प्रदूषित होती हैं। कर विचार, विचार प्रधान आप हैं, विचारवान बनो। कर विचार, विकार परिहरी, और विचारों का परिहरण, विकारों का परिहरण करो। परिहरि, छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना। मनोविकारों का एकदम परित्याग करो। उठत बैठत कबो न छूटे ऐसी तारी लागी, ऐसा ध्यान रखो, ऐसी सावधानी रखो कि उठते बैठते कभी भी विकारों के अधीन न हो। इसको सहज साधना कहते हैं। पूजा घर में, शौचालय में, घूर पर, खेत में, कारखाने में, दुकान में, ऑफिस में, सड़क पर, कहीं भी हो, अपने मन को देखो और मन के विकारों से सावधान रहो, विकार उत्पन्न होने न पाए। जहाँ मन में मोह आएगा विकार उत्पन्न होगा, और मोह दूर रहेगा विकार नहीं होगा। सतत जागते रहो, संतो जागत नींद न कीजिए। कर विचार, विकार परिहरी, तरण तारण सोए। साहब कहते जो विचार करके विकारों का परित्याग करे वो तरण है और तारण है। वो स्वयं तर गया और दूसरे को तार देगा। दूसरे को तो कोई नहीं तार सकता है, लेकिन तार सकता है। सदगुरु हमें न मिले होते तो हम कहाँ रास्ता जानते। सदगुरु मिले, बात बताए, ग्रंथ दिए, आधार दिए, उनकी शरण में और संत रहे, सदगुरु और संतों के बीच में रहा, धीरे धीरे सब सीखा, समझा, अपनी कमजोरियों को समझा, उसको छोड़ा। आज भी संतों की संगत है तब ये रास्ता साफ हो रहा है। साध गुरु की संगत छोड़ करके कहीं आधार नहीं, कोई आधार नहीं। उपास के जितने आलंबन हैं सादगुरु को छोड़कर काल्पनिक हैं।
ईश्वर हम अपने तरफ से एक कल्पना करते हैं, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप है, इस प्रकार कल्पना करके उसकी उपासना करते हैं। अच्छा है, अच्छी धारणा में मन रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन वो कभी उपदेश देने नहीं आएगा। जीवन बीत जाएगा, बोध नहीं होगा, भटकते रहेंगे। मूर्ति चित्र बैठ करके पूजें किसी महापुरुष की, पूछते रहें अच्छा है, मूर्ति और चित्र महापुरुषों की कोई पूछता है अच्छा करता है बुरा नहीं, लेकिन मूर्ति या चित्र बोध दे नहीं सकते हैं। जिंदगी बीत जाएगी, मूर्ति पूछते पूछते जहाँ के तहाँ रहेंगे। जो बोध दे, रास्ता दिखाए, हमारी आँखों में उंगली डाल करके जगा दे, वो सद्गुरु है और संत है। इसलिए सुंदरदास जी ने तो एक बहुत बढ़िया कविता कही है, गोविंद किए थे जीव नरक में जात, और गुरु उसको तारता, बड़ा बढ़िया कहा है। गुरु ने तो, गोविंद ने तो दुनिया बनाई, उसमें डाल दिया दुख भोग, और गुरु उससे निकालते हैं। तो गोविंद की कल्पना जैसी की गई वैसा उन्होंने कहा। सार अर्थ है कि बोध देने वाला, रास्ता दिखाने वाला सद्गुरु है। कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए, सद्गुरु ही तरण है और तारण है। संत सद्गुरु में भेद नहीं है, एक रूप गुरु साधु का, दूजा काल को फंद। साधुगुरु का एक रूप है, और साधुगुरु के अलावा जहाँ तक उपास्य माना गया काल्पनिक है। तो तरण तारण सोए, सद्गुरु तरण और तारण है, तरते हैं स्वयं, दूसरे को तारते हैं, रास्ता दिखाते हैं। रास्ता मिलता है तब साधक तरता है। कहें कबीर भगवंत भजनर द्वितीया और न कोई। साहब कहते ऐसे भगवान का भजन करो, ऊपर दो बार गुरु का उच्चारण आया हो, गुरु के बिना ही भटकाव बताया गया, ये सदगुरु ही भगवान है। कहें कबीर भगवंत भजनर द्वितीया और न कोई। पहले मैंने कहा था ज्ञान विराग सृजुत यश और धर्म निदान, ऐश्वर्य खटभाग जो ताहि कहत भगवान। ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, विराग हो, विषयों से निर्मोह हो। ज्ञान विराग श्रीयुत, श्री स्वभायमान हो, बाहर की भी स्वभाव देखने सुनने में, श्री का धन भी है, यश हो, उसकी सुकीर चारों तरफ फैली हो, और उसका निधान हो, यानी ऐसा उसका आधार हो यश का कि वो सही हो। गलत लोगों का भी यश कुछ दिन फैल जाता है, लेकिन वो यश का निधान हो, यश और धर्म ने धर्म का निधान हो, धर्म का निधान, धर्म का आधार, यानी धर्म उसमें परिपूर्ण हो। धर्म है सहनशीलता, धर्म है संयम, और ऐश्वर्य हो। ऐश्वर्य का मतलब है वो जहाँ जाता हो बहुत से लोग उसके साथ लगते हो, और जहाँ साथ लगेंगे चीज़ें भी आएंगी। तो ये सब ज्ञान वैराग भी हो और दुनिया की वस्तुएं और व्यक्ति भी खिंचावें, वो भगवान है। संत मात्र को भगवान नहीं कहा गया, संत मात्र तो कल्याण उतरम काफ़ी है, सत्य में स्थित हो गया कल्याण है। लेकिन ऐसा पुरुष जिसमें ज्ञान वैराग भी है और बाहरी ऐश्वर्य भी है, बाहरी लोग भी प्रभावित होते उसके पास इकट्ठे होते, उसको भगवान कहते हैं। तो भगवान कुल मिलाकर के व्यक्ति को ही कहा गया है, मनुष्य को ही कहा गया है, सदगुरु भगवान है। कहें कबीर भगवंत भजनर द्वितीया और न कोई, दूसरा तुम्हारा और कोई उद्धारक नहीं है। तुम्हें रास्ता दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला और साथ में रख करके जीवन यापन कराने वाला, रास्ता दिखाने वाला कोई मिल जाए और अच्छी संगत न मिले तो आदमी बह जाएगा। अच्छी संगत, पानी में रह करके कमल खिले रहते हैं, पानी से निकाल दो सूख जाएंगे। बहुत दिन संतों की संगत में रह करके प्रौढ़ हो करके फिर विचरण करते हुए भी संत और गुरु में मन रखा जाता है, उनसे समय समय से मिला जाता है, जहाँ आधार होता है वहाँ लिया जाता है, तब बेड़ा पार होता है। कोई बहुत दिन बीत गया, उम्र काफ़ी बीत गई हो साधु संगत करते करते,
लेकिन प्रमादी हो जाए और सदगुरु का आधार छोड़ दे तो धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा। योगो ही प्रभो पयो, नचकेता ने कठ उपनिषद में, नचकेता को यमाचार्य ने कठ उपनिषद में समझाते हुए कहा है, योगो ही प्रभो पयो, योग प्रभाव अपाय रूप है, उठने और गिरने वाला है। अच्छी संगत करो, ज्ञान वैराग्य की पुस्तकें पढ़ो, साधना करो, मन काफ़ी निर्मल हो जाएगा। अच्छी संगत छोड़ दो, सदग्रंथ पढ़ना छोड़ दो, साधना करना छोड़ दो, मन मैला हो जाएगा, कुसंग करोगे एकदम डूब जाओगे। इसलिए जीवन भर जागते रहना, काहे कबीर भगवंत भजन और द्वितीया और न कोई। साहब कहते हैं ऐसे सदगुरु भगवान का आधार लो। सदगुरु कह देने से संत हो जाता है। सदगुरु संत में ही फर्क होता है कि जो हमें बोध दिया, आधार दिया, वो सदगुरु है और बाकी उसी लक्षण के तो हैं लेकिन उन्होंने हमें बोध नहीं दिया है। वो संत हैं लेकिन वो संत किसी के सदगुरु होंगे। तो सदगुरु संत में फर्क नहीं होता। एक रूप गुरु साधु का, दूजा काल कुफंद, अशरण शरण दयाल गुरु, साधु सदा स्वच्छंद, पंचग्रंथी मिश्र राम रहस्य। साहब ने साधु और गुरु का इतना फर्क माना। अशरण शरण दयाल गुरु, गुरु अशरण को शरण देते हैं, वे दयालु होते हैं, दूसरे की रक्षा करते हैं। और साधु सदा स्वच्छंद, साधु सदैव स्वच्छंद रहते हैं, वो चेला बनाने के चक्कर में नहीं पड़ते। चेला बनाओ, उनको निभाओ, उनको देखो, उनका कपड़ा लता, खाना पीना, दवाई पानी, वो गाल फुला लिए तो उनको समझाओ, उनको रास्ते पर लाओ, कौन झंझट में पड़े। इसलिए कुछ नहीं, बस अपना काम करो। ये गुरु महाराज लोग भोगे, चेला बनाए और दुखी हो, तो संत झंझट में नहीं पड़ते हैं। साधु सदा स्वच्छंद, साधु सदैव स्वच्छंद रहते हैं। और अशरण शरण दयाल गुरु, गुरु दया करते हैं, अशरण को शरण देते हैं। लेकिन ये वही अपनावे जो निर्विकार रह पावे। और दूसरे के शरण दिए अपना झाँ झाँ करते हैं तो क्या मतलब हुआ। इसलिए गुरु बनना ठीक नहीं, बड़ी सावधानी चाहिए। गुरु न बनना अच्छा, साधक बन के रहना चाहिए। जो आत्मविजयी हो गया है, जो अपने को संभाल ले, शिष्य को भी संभाले, अपने को भी संभाले, वो ऐसी जिम्मेदारी ले और वो भी सतत सावधान रहे। ऐसा न हो कि स्वयं भटक जाए, संभालते संभालते अपने डूब जाए, तो बेकार हो गया। लेकिन सद्गुरु पद ऐसा है जो पूर्ण निष्काम पूर्ण कल्याण अवस्था को प्राप्त हो गया, वही सद्गुरु पद में स्थित हो गया। सद्गुरु पद अत्यंत गुरुपद, अति गरिष्ठ भ्रमनाशक। श्री निर्मल साहब ने कहा गुरुपद अति गरिष्ठ है और भ्रमनाशक है। तो साधु गुरु यही कल्याणार्थी के आधार हैं। माया मोह मोहित कीना, ताते ज्ञान रतन हरि लेना। जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। शब्द गुरु उपदेश देनो ते छाड़ परम निधाना। ज्योति देख पतंग हुलसे, पशु न पेख है आग, काल फांस नर मुग्ध न चेतो, कनक कामने लाग। शेख सैयद कितेब निरखें, सुमृत शास्त्र विचार, सदगुरु के उपदेश बिन ते जान के जीव मार। कर विचार विकार परिहर, तरण तारण सोय, कहें कबीर भगवंत भजन और दुआ और न कोय। इसमें माया मोह से लेकर हिंसा तक और फिर मनोविकार कह करके सबको त्यागने की साहेब राय देते हैं और सदगुरु की शरण का आधार बताते हैं। वही एक आधार है। इसलिए सभी साधकों को चाहिए कि संत गुरु का आधार लेते रहें, सदग्रंथ पढ़ते रहें, साधना करते रहें, अपने मन को माँचते रहें और ये समझें जीवन एक सपने की तरह है। माया मोह में फंस करके उलझे ना, जो हुआ सो हुआ, अब माया के बंधन को काटें, स्वच्छंद जीवन व्यतीत करें। स्वच्छंद जीवन है मन का विवश न होना। वो जहाँ तहाँ घूमना स्वच्छंद नहीं है, घूमना विचरना रहना तो एक शरीर का व्यवहार है। चाहे घूमे चाहे एक जगह रहे,
जिसका मन विवश न हो, काम के अधीन न हो, क्रोध के अधीन न हो, लोभ मोह के अधीन न हो, जो आवश्यक गुजर की वस्तुएं हैं उनकी भी चिंता के अधीन न हो। समझ ले, पशु पक्षी रोज खाते जीते हैं, हमें क्यों नहीं मिलेगा? किसी प्रकार की व्यवस्था चित्त में नहीं आवे, तब वो स्वच्छंद जीवन है। स्वच्छंद जीवन मन में होता है, प्रवृत्ति में निवृत्ति है, निवृत्ति में प्रवृत्ति है। जब प्रवृत्ति लेकर के हम सेवा करते हैं तो हमें शक्ति मिलती है, तो निवृत्ति मिलती है, और निवृत्ति के चक्कर में जो उन्मादी हो जाते हैं वे अपने मन के गड्ढे में गिर जाते हैं। इसलिए स्वच्छंद जीवन का अर्थ है मन का निर्मल होना, मन विवश न होना, काम क्रोध लोभ मोह के अधीन न होना, चिंता शोक के अधीन न होना, भय के अधीन न होना, सदैव निर्भय सदैव निर्मल मन, ये स्वच्छंद जीवन का लक्षण है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम